हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम इस पर्टिकुलरली वीडियो में बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट परीक्षा के बीच में अंतर क्या है। कई सारे लोग ऐसे बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसआईआर एंड यूजीसी नेट, और ये लाइफ साइंस के लिए या साइंस के लिए क्यों कंबाइंड हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, और क्या है इन दोनों के बीच में अंतर, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने पहले भी आपसे कुछ चर्चा किया था, बट फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। पहली चर्चा यह है कि यूजीसी जो है, यूनियन ग्रांट कमीशन जैसे जाना जाता है, यूजीसी, और सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक रेगुलेटरी बॉडीज है। दोनों रेगुलेटरी बॉडीज आती है किसके अंतर्गत, गवर्नमेंट के अंतर्गत, यानी सरकार जो भी है उसके अंतर्गत आती है। सीएसआईआर ज्यादातर, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो फील्ड इंक्लूड होंगे वो कैसे होंगे, साइंटिफिक। और यहाँ पे जो यूजीसी है वो किस फील्ड से रिलेटेड होगा, ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से, सोशियोलॉजी, आर्ट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लाइक दैट, ये उन सब्जेक्ट से होते। यूजीसी जो है पहले अपना एग्जाम अलग लेता था, और सीएसआईआर जो है पहले अपना एग्जाम अलग लेता था, क्योंकि यूजीसी में एक सेक्शन साइंस का भी आता है, वो जो है एक सेक्शन क्या आता था, साइंस का भी आता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहीं पे थोड़ी सी कंडीशंस डेवलप हुई कि जब दो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज साइंस के लिए एग्जाम ले रही हैं तो क्यों ना क्यों मर्ज कर दिया जाए। तो वहां पे जो है यूजीसी और सीएसआईआर ने साइंस के एग्जाम को क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। बाकी एग्जाम्स यूजीसी अभी भी अलग लेता है, यूजीसी के बाकी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं वो अलग चलते हैं, उनका एग्जाम जो है एनटीए यूजीसी के नेट के थ्रू आता है, एनटीए यूजीसी नेट ओनली आता है, है ना। इसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट्स है जो कि बेसिक क्या है, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स है। और जो सीएसआईआर है वो अलग हो गया। यूजीसी ने अपनी जिम्मेदारी सौंप दी सीएसआईआर को कि सीएसआईआर ही अब एग्जाम लेगा और वो कहलाएगा सीएसआईआर यूजीसी नेट। क्या कहलाएगा, सीएसआईआर यूजीसी नेट, मतलब एक ही एग्जाम में दोनों ही पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडीज अपने बच्चों से, बच्चों को सेलेक्ट कर लेगी। आप एक ही एग्जामिनेशन देंगे और उससे जो है उसी से सेलेक्ट लेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए, और साइंस में लाइफ साइंस, फिजिकल, केमिकल, ये सब जो भी साइंस है। तो लाइफ साइंस के मुद्दे से बात करें तो आप लाइफ साइंस में ये अलग नहीं भरेंगे, ये अलग नहीं भरेंगे, दोनों का एक ही एग्जाम होता है। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस अभी भी यूजीसी नेट का पार्ट है, कई लोग उसको भरते भी हैं, है ना, इन लाइफ साइंस की कैटेगरी से। तो वो अलग अपनी एक अथॉरिटी है, ये अपनी है, लेकिन दोनों मर्ज करके एक सेम या सिंगल एग्जाम लेते हैं क्राइटेरिया। जैसे ये समझ सकते हैं, दो कंपनीज है, दोनों कंपनीज को एक ही पोस्ट के लिए बंदे चाहिए थे, तो उन्होंने अलग अलग रिक्रूटमेंट रखने की बजाय एक ही रिक्रूटमेंट रखी और रिक्रूट करके वहां से दोनों कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही हाल ये है, ये एक अलग बॉडीज, ये अलग बॉडीज, दोनों ने एक ही एग्जाम रखा, सेलेक्ट हो गए बच्चे, उनको अलग अलग डिसोसिएट कर लिया। सवाल ये आता है कि ज्यादातर जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं, या जो टेक्निकल, फार्मास्यूटिकल्स, या कुछ इंटीग्रेटेड, ये सब बच्चे ज्यादातर किस कैटेगरी में फॉलो अप करते हैं, इसमें इनको यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि यूजीसी नेट ज्यादातर बेसिक स्ट्रीम लाइन्स के बच्चों को लेता है, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे जो बेसिक स्ट्रीमलाइन सब्जेक्ट्स होते हैं एमएससी के, सिर्फ उनको सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर आपका एमएससी लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी हो, या आपका बीटेक हो बायोटेक्नोलॉजीज में, या किसी और बेसिक स्ट्रीम्स, फार्मास्यूटिकल में बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी हो, एमटेक इन रिलेटेड फील्ड्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एंड इनसे रिलेटेड जो फील्ड है आपके पास, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सीएसआईआर में मिलता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर डिफरेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, और इसीलिए कुछ जब आप रिजल्ट देखते हैं तो उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर दिया जाता है यूजीसी के लिए और कुछ लोगों को सीएसआईआर के लिए। उनके बेसिक पीछे मुद्दा कुछ ऐसा ही होता है, इन्हीं बेसिस पे जो है कुछ सेलेक्ट किया जाता है। याद रहे, इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे अगर कुछ इंफॉर्मेशन हो भी सकती है तो उसको अवॉइड करेंगे आप। तो बेसिक अंतर यही है। इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि अगर दोनों कैटेगरीज को जब अलग करते हैं तो क्या दोनों ही सर्टिफिकेट अलग मिलते हैं, सीएसआईआर यूजीसी नेट का? तो ये सवाल का जवाब है हाँ, जब इसमें बच्चे जाएंगे तो इसका सर्टिफिकेट अलग मिलता है और इसका सर्टिफिकेट अलग मिलता है। एग्जाम एक ही है लेकिन सर्टिफिकेट अलग है।
अब सवाल यह आता है कि क्या फेलोशिप भी अलग अलग आती है? बिल्कुल, इसकी फेलोशिप अलग आती है और इसकी अलग अलग आने का मतलब यह है कि क्योंकि ये सीएसआईआर दे रहा है और ये यूजीसी दे रहा है, तो टाइमिंग में भी अंतर होता है। सीएसआईआर नेट जो सीएसआईआर के फेलोशिप होते हैं थोड़े से डिले होते हैं एज कंपेयर टू द यूजीसी, एज फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस ये होता है। साथ में फेलोशिप अमाउंट क्या अलग अलग होता है, ये सवाल आता है कि जो अमाउंट है क्या वो अमाउंट अलग अलग होगा कि सेम होगा? तो जो अमाउंट होता है वो दोनों में ही सेम होता है। जीआरएफ के लिए ये भी 31,000 मिलेगा एचआरए के साथ, और इसमें जो है इसमें भी 31,000 एचआरए के साथ मिलेगा। एसआरएफ हो जाएंगे तो 35,000 एसआर जो है प्लस एचआरए मिलेगा। तो कुछ मोटा मोटी जो है ये अंतर है सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट पे। दोनों रेगुलेटरी बॉडीज अलग अलग हैं, दोनों ने साइंस स्ट्रीम के लिए एग्जामिनेशन जो है वो कंबाइन कर दिया, लेकिन एग्जामिनेशन सिर्फ कंबाइन है, उसके बाद चीजें फिर अलग हो जाती हैं। मतलब फेलोशिप सर्टिफिकेट्स ये सब अलग अलग यूजीसी अपना रेगुलेट करता है और सीएसआईआर अपना रेगुलेट कर रहा होता है। अगर आप यूजीसी नेट की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको अपना सर्टिफिकेट यूजीसी से लेना होगा और फेलोशिप यूजीसी से मिलेगा, और अगर आप जो है सीएसआईआर नेट की कैटेगरी में आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपका फेलोशिप सीएसआईआर से मिलेगा और सीएसआईआर ही जो है आपको फेलोशिप देगी। दोनों में अमाउंट में कोई अंतर नहीं होता, अमाउंट फेलोशिप का सेम होता है जेआरएफ एसआरएफ के लिए, लेकिन सवाल यह आता है कि कभी कभी टाइमिंग में डिलेज हो सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, और भी अगर आपके मन में सवाल उठते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।